हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीटी मैक्स पर। दोस्तों, मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से पहली बार एक साल के बाद दोस्तों कोई पैसेंजर ट्रेन दोस्तों बैराज के बीच में चलाई गई है, और ये दोस्तों नियमित रूप से इसका संचालन होगा। और ये वीडियो हमें राज खान जी ने हमें बनाकर भेजी है मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। धन्यवाद राज खान जी, आपकी बदौलत इतनी बढ़िया और इतनी अहम अपडेट अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को दे पा रहे हैं। दोस्तों, ये 05356 के नंबर से मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से दोस्तों सुबह 8:30 बजे अपने निर्धारित समय के हिसाब से छोड़ी गई दोस्तों। और उधर से दोस्तों ये ट्रेन है मैलानी से और बैराज के बीच में दोस्तों ये एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं, और ये अनारक्षित ट्रेन है दोस्तों, जिसका वीडियो अपने चैनल के माध्यम से हम लेकर आए हैं। और सामने आपको मीटर गेज के दोस्तों ट्रेन जाती हुई दिखी होगी पलिया की दिशा में। मैलानी जंक्शन से बैराज के बीच में ये ट्रेन का संचालन किया गया है दोस्तों। और उधर से दोस्तों ये 05355 के नंबर से दोस्तों सुबह 8:30 बजे छोड़ी गई दोस्तों। दोनों ही ट्रेनों का टाइम छोड़ने का, दोनों जोड़ी का एक ही है दोस्तों। सुबह 8:30 बजे इधर मैलानी जंक्शन से छूटी और उधर बैराज से छोड़ी गई है। और दोस्तों ये सामने दोस्तों आपको ट्रेन नज़र आती होगी, एक साल के बाद चली है दोस्तों। 16 फरवरी 2020 को दोस्तों इन ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था मैलानी से नानपारा रोड पर, और ये सामने दोस्तों पहली बार चली है लॉकडाउन के बाद। ये वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से इसकी कवरेज लेकर आए हैं। हमारे दोस्तों, अगर आप हमें वीडियो बनाकर भेजना चाहें तो हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में परमानेंटली मौजूद है। हमारा नंबर है 9837290507, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। रेलवे के किसी भी वर्क से रिलेटेड दोस्तों, आज जो मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 6 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी दोस्तों, उनमें से अगर आप किसी की भी वीडियो शूट कर हमें भेजना चाहते हैं तो हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं दोस्तों। और सुबह 6:05 पर मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से लखनऊ की दिशा में दोस्तों एक पैसेंजर अनारक्षित ट्रेन दोस्तों चली है, उसका वीडियो अगर रास्ते से आपने शूट किया हो तो हमें बनाकर भेज सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।